नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स पर और मैं हूं फौजान। तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को आज जेल भेज दिया गया। उन पर आंदोलन कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतारने का आरोप है। उस घटना में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। ऐसे में मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र से जुड़ा होने के चलते काफ़ी हाई प्रोफाइल हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भी रसूख के आगे पूरी तरह से बौनी नजर आ रही थी। घटना के कई दिनों बाद तक आरोपी की गिरफ्तारी न किए जाने से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान में लिया और उत्तर प्रदेश सरकार से तत्काल आरोपी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया इस पर सवाल खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद हरकत में आई यूपी पुलिस ने तत्काल एसआईटी का गठन कर आरोपी आशीष मिश्रा को नोटिस भेजकर एसआईटी के सामने पक्षों को प्रस्तुत करने की बात कही। पहली नोटिस पर जब आशीष मिश्रा नहीं आए तो एक बार फिर सियासी हल्ला मचा और एसआईटी ने तत्काल दूसरी नोटिस देकर अपने सबूत पेश करने के लिए एक दिन का और मौका आशीष मिश्रा को दिया। फिर से सुनवाई होगी। अभी पुलिस ने कितने दिन की पीसीआर मांगी थी? अभी तो 3 दिन का मांग रहे थे कि हमको पुनः पुलिस कस्टडी में दिया जाए। नहीं दिया गया, मंडे की डेट लगाई गई। मंडे की डेट लगाई गई। कौन जी? जज का क्या नाम है? स्नेहा नेगी है समझ। स्नेहा भारती, दीक्षा भारती, दीक्षा भारती, राइट, दीक्षा भारती। क्या उन्होंने कहा? फिर से बता दीजिए। उन्होंने क्या कहा? हमने कहा, वो थोड़ी कहेंगी। उनके सामने प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर दी है 11 तारीख। थैंक यू। 11 बजे एसआईटी ने आशीष से 12 घंटे की मैराथन पूछताछ की और आशीष मिश्रा के जवाबों से असंतुष्ट होकर उन्हें न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना में आरोपी आशीष मिश्रा के वकील ने जब अपना बचाव का पक्ष न्यायालय में रखा तो जज ने उन्हें सुनने के लिए सोमवार का दिन तय किया है। पूरे घटनाक्रम के बाद आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया गया है। अब वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। देखना यह होगा कि सोमवार को उनकी तरफ से वकील न्यायालय में क्या साक्ष्य रखते हैं और क्या उन्हें जमानत मिलती है या नहीं। एसआईटी द्वारा यह कहे जाने पर कि आरोपी ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया तो क्या उन्हें पुलिस रिमांड पर लेगी। बहरहाल बड़ा सवाल ये भी उठता है कि लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जहां ये कहते दिखाई दे रहे थे कि उनका बेटा निर्दोष है, ऐसे में जब एसआईटी और न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया तो क्या वह अपना इस्तीफा देंगे। वहीं विपक्ष आज भी उन्हें घेरने में लगा है। विपक्ष का कहना है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर रहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जन संदेश टाइम्स पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।